गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 3। पहले तो मैं आपको अपने कमरे का हाल दिखाता हूँ। तो अब हम बात करेंगे आज के प्लान की। तो कल रात को हम यहाँ पे रुके थे रिकोंगपियो में, क्योंकि हमें जाना था पूह और लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया। और यहाँ के हमने लोकल आदमियों से पूछा तो उन्होंने ये बात कही है हमें, तो उन्होंने हमें कहा कल 12 या 1 बजे से पहले ये रास्ता नहीं खुलने वाला, और कुछ का ये कहना है कि 2 दिन तक ये रास्ता नहीं खुलेगा। तो अच्छा होगा आप यहाँ के SDM ऑफिस में जाके जानकारी ले लो कि आपको स्पीति वैली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अभी 10 बज रहे हैं और हम लोग नहा धो के तैयार हो रहे हैं, अपनी पैकिंग कर रहे हैं। और यहाँ से हम जाके सबसे पहले नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद ऑफिस जाएंगे, वहाँ से जानकारी कलेक्ट करेंगे और जो भी अपडेट होगा वो आपको दूंगा। और मैं सच बताऊँ यहाँ से वापस मुड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बाकी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू 6 या 7 दिन से बारिश हो रही है कंटिन्यू, और उन्होंने कहा जगह जगह नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं और आप अपनी स्कूटरी ले जा नहीं सकते, स्कूटरी के आप बुलेट भी नहीं ले जा सकते। बाकी देखो हौसला तो है हमें, जज्बा भी है, एक राइडर के लिए उससे ज़्यादा क्या चाहिए। आपको ब्लॉग तो शायद ही पसंद आ रहे हो, क्यों नया हूँ ना मैं। एनीवेज और अपडेट देता हूँ आपको थोड़ी देर में। दोस्तों गाड़ी वहाँ से आई हुई ना, बोल मत इन्फॉर्मेशन तो दे, क्या हुआ था, कैसे हो रहा है, क्या कहाँ हुआ है, बोल के। हाँ जी भाई, लोगों कैसे हो सब लोग। हम भाई बोले अटक मत, कट करती हो जो सही लगे। अपने कहाँ से हैं? अपने आए हैं रिकोंगपियो से, और जो हाईवे का रोड थी वो नाला बंद है, वो परसों खुलेगा। बस इसलिए अपने दूसरे रूट से जा रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक रूट है। हमें मना किया था, सामने मत जाओ। हम रिकोंगपियो से चले हैं, करीब हमें आधा घंटा हो गया चले को, हाईवे वाला रोड बंद था इसीलिए हम दूसरे रोड से आए हैं। ये देखियो रोड, थोड़ा 80 किलोमीटर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ से बहुत दिक्कत हो रही है हमें लोगों को जाने में। आप लोग रोड देख सकते हैं, 70 किलोमीटर सारी सड़क ऐसी है, रास्ता बंद था पू वाला हाईवे वाला। तो कल हमारा पूरा दिन खराब हुआ है, आज उन्होंने कहा आज भी मत जाओ, कल जाना आप लोग। तो हमने कहा यार देखी जाएगी, तो हम निकल आए हैं, देखो आगे क्या होता है। 70 किलोमीटर का रास्ता है ये, जिसमें से हमें हमने शायद 15 किलोमीटर पार किया होगा। बहुत बुरा ये है मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का, पर ठीक है घर से निकले हैं तो दिक्कत तो आनी थी, काम भरोसे निकले हैं। बाकी की अपडेट देता रहूँगा आपको, स्टे कनेक्टेड। नहीं यार उतर के ही देख लेते ना। हाँ तो मेरे भाइयों ये देखो किनारा कितना प्यारा लग रहा है, देखा आपने। अब आपको मैं अपडेट देता हूँ, देख लिया आपने सारा। तो यूँ है, कल सुबह हम चले थे शिमला से 6 बजे, उसके बाद क्या हुआ था, झुक जाओ भाई साहब, अभी हमें चढ़ाई पे झुकना पड़ता है तो हम दोनों भाई आगे की ओर झुक जाते हैं। छोड़ दो सारा मोबाइल छोड़ दो। तो क्या हुआ भाइयों, सुबह 6 बजे चले थे, कंटिन्यू बारिश थी, तो हमने टारगेट बनाया था रिकोंगपियो का। रिकोंगपियो हमने टाइम से लगा दी थी स्कूटी, फिर हमने सोचा चलो आगे का कर लेते हैं टारगेट, हमने पूह का सोचा। तो हमने जेरिकैन लिया, जेरिकैन में 10 लीटर तेल डलवाया, स्कूटी में तेल डलवाया, टैंक फुल करवा के हम आगे की ओर निकले। अब दिख रही है
अब जैसे क्या हुआ, पुहू पहुंचे ना, पहुंचने वाले थे तो रिकोंगपिया से हम 20 किलोमीटर आगे गए थे, तो जो नाला था वो नाला अपने साथ सड़क को बहा के ले गया, सड़क को बहा के ले गया। और उसके बाद हमने वहाँ पे पता किया, वो कहते कल खुलेगा, तो हम फिर वापस 15-20 किलोमीटर पीछे आए। हमने रात को 6 बजे रिकोंगपियो लगा दी स्कूटी, फिर हमने कहा चलो सो जाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकलेंगे। फिर हमने होटल के मैनेजर से बात की इस बारे में, तो उन्होंने हमें कहा कि SDM ऑफिस में आप पूछ लो। SDM ऑफिस गए हमने, वहाँ पे इंक्वायरी की, तो उन्होंने कहा सर वो रास्ता तो कल तक खुलेगा, खुलेगा तो उससे पहले नहीं खुलेगा। तो फिर हमने कहा यार यहाँ पे, वो कहते कल्पा घूम लो आज, आ जा। तो हमने कहा आज का दिन क्या ख़राब करना है, यहाँ पे कल्पा में जाना था। अब हमने लोगों से इंक्वायरी ली, उन्होंने एक रास्ता बताया हमें कच्चा पांगी वाला। हमने कहा चल इस रास्ते से चले जाते हैं, पांगी वाले रास्ते से। तो रास्ता आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा शायद, है ना। तो पांगी वाले रास्ते हम चले, तो किसी ने हमें कहा सर स्कूटी नहीं जाएगी, बुलेट तो निकल जाता, स्कूटी नहीं निकलेगी, और बरसात हुई है, लैंडस्लाइड होने का डर है। पर हमने ये सोचा दिन ख़राब करने से अच्छा है, घर पे बता के नहीं आए ना हम, तो दिन ख़राब करने से अच्छा है हम यहाँ से निकल जाएं जैसे तैसे करके। तो फिर हमें एक आर्मी का ऑफिसर मिला, वो और उसकी वाइफ, वो दोनों जा रहे थे नाको, वो स्कूटी, वो थे क्रिएटा पे। तो अरे 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 भाई 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 चढ़ गई, तो वो दोनों थे क्रिएटा पे। तो उन्होंने हमें कहा, वो कहते चलो हम आपके साथ चलते हैं, हमें भी कंपनी मिल जाएगी। हमने कहा ये अच्छी बात है चलो। तो अभी तो वो बहुत पीछे रह गए हमसे, क्योंकि बहुत पतली सड़कें हैं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, खाली चट्टाने हैं, एक तरफ खाई, बिल्कुल ये किश्तवाड़ वाला रास्ता है। किश्तवाड़ तो आपने ना देखा ही होगा नेट पे भी, और मेरे ख्याल से कई मेरे भाई लोग गए भी होंगे किश्तवाड़, बिल्कुल वैसा ही रास्ता है। तो अभी हमें कई लोगों ने डरा दिया, हम गए नहीं। फिर अब हमने कहा यार मूड बना लिया, जाए बहन निकल ही जाते हैं। तो एक राइडर को और क्या चाहिए होता है, और वो भी फर्स्ट टाइम जो करने वाला हो तो उसको तो वैसे ही जुनून होता है इन चीज़ों का। तो निकल लिए, अभी उन्होंने कहा 17 किलोमीटर सारी सड़क ऐसी ही जाएगी, आपके देखी जाएगी। उतर जाए मेरे भाई, मार धक्का। अब धक्का मार के चढ़ाई है हमारे मोहित भाई ने। जय माता दी, जय माता दी। तो भाइयों आप सब बंदे अपनी दुआ मेरे साथ रखना, ताकि हम कठिन रास्ता पार कर दें। बहुत ही हिम्मत से हमने की है ये चढ़ाई, एंजॉय कर रहे हो शायद आप। व्यू दिखाता हूँ आपको, ए स्कूटी चलते चलते व्यू देखो, आज है day 3। अभी मेरे को बंद नहीं करना, चढ़ जा भाई, चढ़ जा स्कूटी, चढ़ जा। शाबाश। ओके फाइनली निकल, बंद कर दे, लॉक कर दे। एक मिनट रुक गया बस। हाँ तो व्यूवर्स, अभी हमने 25 किलोमीटर पार कर लिए हैं, नज़ारा देखो आप। ये सड़क जा रही है, बहुत ही गंदा रास्ता है। अब शायद थोड़ा सा अच्छा रास्ता आया है, ये हमारी स्कूटरी की हालत है। तो वीडियो बना मैं बोलता हूँ, ये हमारा 10 लीटर का जेरी कैन जो टिक नहीं रहा पीछे, हो सुन जाएगा उनको। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वार्म हो गई है, धुआं निकाल रही है, और स्कूटरी को चार पांच जगह हमने धक्का मारा है। बहुत ही गंदा हाल है, अभी बारिश शुरू हो गई है और हम चाहते हैं बारिश ना हो। और आज हम सोच रहे हैं टाबो निकल जाए, आगे पता लगेगा क्या होता है। हमारे मोहित भाई साहब को भी देखो एक बार, आपको दिखाते हैं, बहुत थक चुके हैं। हेलो गाइस, सिर्फ चाय पी के निकले हैं, पूछो मोहित से क्या रहा हमारा आज का। बहुत बुरा हाल है हमारा, चलने की थोड़ी देर रुके हैं, उसके बाद में थोड़ा ड्राइव करेंगे हम लोग, गाड़ी को आराम देने आए हैं थोड़ा। मैं चलाऊंगा,
ये हमारी गाड़ी। हाँ तो व्यूवर्स, क्या हाल चाल है हम सबके? ऑसम नज़ारे हैं यहाँ के, ऑसम, मैं कहता हूँ हेवन में आ गए हैं। ले लता करूँगा जरूर मनिंदर भाई आपके साथ नेक्स्ट ईयर पक्का। और मेरी ये राइड लगभग 12-13 हज़ार में कंप्लीट होगी, मैं इसके बारे में आपको सारा ब्यौरा दूंगा, जरूर दूंगा। नज़ारे देखो आप, अभी कंप्लीट होगी। अबे मैं कह रहा हूँ ना, बदलता जाएगा सारा व्यू। वो पहुंच चुके हैं, 3 बज गए हैं, खाना ऑर्डर किया है, रसोई देखो खाना बन रहा है। गुड़िया खाना बना रही है, तो इसका छोटा भाई सेक रहा है परोंठा, आलू के परोंठे और चाय पियेंगे। भाइयों ये चढ़ाई है, चढ़ाई नाको पहुंचने वाले हैं, 3:30 हो गए हैं। स्कूटरी दम तोड़ती है, हम नहीं तोड़ रहे। स्पीड देख लो हमारी स्कूटी की, एक्टिवा की 20 की पूरी स्पीड दे रखी है, 20 से ऊपर नहीं जा रही। पर्दन कहा कर दे। हाय गाइस, इस वक्त हम पहुंच गए हैं नाको हेलीपैड पॉइंट पे, खड़े हैं। ये पॉइंट रहा हेलीपैड पॉइंट, नज़ारे देखो आप यहाँ के, 360 डिग्री। हम लोग नाको है। हेलो गाइस, और ये मैं, आगे चलते हैं, आगे की अपडेट आगे। ये रहने दे, हाँ तो मेरे भाइयों नाको लेक पहुँच गए हैं, अब मेरे साथ चलते हैं, चलो नाको लेक दिखाते हैं आपको। 1, 2, 3, 4 थक तो गए, मौसम भी अच्छा है पर ठीक है, मज़ा आ रहा है, अच्छा है। साल में एक बार आते हैं घूमने, वो भी ना बताए। ये नाको लेक आ गई है, चलो नाको लेक दिखाते हैं आपको।
ना को लेकना को सुमदा पहुंचने वाले हैं, शायद 6 बज गए हैं और नाइट स्टे हुलीन करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने स्टे किया था 200 रुपये में कमरा मिल गया था मुझे, तो इस बार भी वही कोशिश है। व्यू दिखाता हूँ, वो गाड़ी आई है 60-70 पे। भाई साहब रेस दो, कहाँ से दूँ, पूरी है मेरी बारी में बैठो, पूरी होती है चढ़ती है। ये लकड़ का ब्रिज आ गया, चल रुकता हो रहा है, वीडियो बना रहे तेरी तरह नहीं, फोन जेब में करके बैठ, अभी तो और लंबे लंबा आएंगे। टाबो पुल देखना, टाबो ब्रिज, तो टाबो ब्रिज आएगा, ऑसम। शाम के 6:15 हो चुके हैं, हम टापो जा रहे थे, लेकिन हमें जीव विलेज दिख गया, हम वहाँ पे मम्मी देखने जा रहे हैं। रोड दिखाते हैं आपको, अंधेरा होने को है और हमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बरसात हो रही है और लैंडस्लाइड नहीं हो सकती है कभी भी, इसलिए
पूरी रेस दे रखी है और स्कूटरी की स्पीड आ रही है ये जीरो जीरो पे, और हम झुक जाते हैं आगे पूरा। अब हम बिल्कुल नजदीक है जियो विलेज के, अब आपको मम्मी दिखाएंगे हम। तो टाइम 7 बजने को हो रहे हैं। तो गाइस इस वक्त हम दो शाम के 7 बज गए हैं, बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ पे। या तो देखो टाइम से पहुँच गए तो हुलिन रुकेंगे 12 किलोमीटर यहाँ से, नहीं तो तब हो जाएंगे टापू यहाँ से 40 किलोमीटर करीब है, और कोशिश रही तो तब हो ही जाएंगे एक चाय पी के हुरलिंग में। आओ आपको जीव मम्मी दिखाते हैं, कम ऑन आओ मेरे साथ आओ आओ। ये हमने उतारे यहाँ पे शूज, ये हाथ पैर सीढ़ी ऊपर ताला लगा है यार, ताला लगा है, चाबी इधर होगी देखो। फ्रेंड्स ताला लगा है, पता करके बताते हैं आपको, जा तू उतारे तो नहीं पता करके। फ्रेंड एक अपडेट आई है नई नई अभी की, ताजा ताजा हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे ना कोई बंदा है ना बंदे की जात है। तो सॉरी मैं आपको जीव मम्मी नहीं दिखा सकता, हमें भी बहुत निराशा हो रही है, शायद आपको भी हो रही होगी। यहाँ चाबी नहीं है, ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई है भी नहीं, ये तो पूछ लेता मैं किसी से। इसको काटे कैसे, ये मेरा हाल देखो, ये हाथ में जूते हैं, ये पैर में जुराबे हैं। आओ उधर कोई चक्कू चक्कू होगा देखते हैं। बहुत दुख हुआ। हाँ हाँ ठीक भाई साहब, 1 मिनट मैं जूते पहनाऊँ, सॉरी सर। अब जा रहे हैं हम यहाँ से आगे की ओर, बात की अपडेट बाद में। अरे 1 मिनट। तो भाई इस वक्त हुरलिन पहुँच चुके हैं हम, पिछले साल आया था, कुछ नहीं बदला है, बदला है तो ये बदला है 90% सड़कें में सुधार हुआ है। अभी रात हो गई है, हम टब हो जा रहे हैं यहाँ से, पहले यहाँ रुकने का सलाह था लेकिन किसी से पूछा, उन्होंने कहा रोड अच्छी है तो अब वहाँ स्टे कर लेना, उल्टा घुमा रहा, एक बारी घुमा के छोड़ देते हैं। ये लिखा हुआ ओम मणि पद में है हूँ। हाय फ्रेंड्स, इस वक्त हम टबों में पहुंचे हैं, रात का टाइम हो गया 9 बज गए। अभी हमने राजमा चावल रोटी खाई है, 500 रुपये के अंदर रूम लिया है, रूम दिखाता हूँ, होम स्टे है। अच्छा कमरा है, कल सुबह यहाँ से काजा के लिए निकलेंगे। और अभी तक की एक सबसे सबसे ज़रूरी बात बताता हूँ मैं आपको, कि मैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ। आज उनसे सुबह वीडियो कॉल हुई थी लेकिन अब बात नहीं हो पाएगी उनसे, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आता। ओके आज रात के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो करो ही करो। बाय, गुड नाइट।